क्या हो गया तुम लोगों को है? इतने खून सफेद हो गए कि एक दूसरे से लड़े चले जा रहे हो, दुश्मन हो गए एक दूसरे के? इतने दिल छोटे कब से हो गए तुम सबके कि एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश ही बाकी नहीं रही? अरे सारे खानदान में हमारे घर की मिसाल दी जाती थी कि ये बहन भाई कैसे आपस में जुड़े हुए जैसे गिरा होती है। इन लोगों को एक दूसरे से कभी जुदा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो गिरा तो कच्ची निकली, कुछ ही दिन बाद टूट गई। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अम्मा अम्मा वो क्या, कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम लोग इतने कमजोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हद होती है, यानी रुपया पैसा जायदाद हिस्सा, इसके अलावा तुम लोग कुछ सोचते हो? मेरे जहीर उससे ही सबक ले लो, बीमार पड़ा है वो, उसने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। अरे कितना ख्याल किया उसने तुम लोगों के लिए, क्या कुछ नहीं किया उसने। आप ठीक कह रही हैं, मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है इस कारोबार पर, मैंने वक्त दिया है। भाई साहब ने शुरू जरूर किया था लेकिन इसे यहां तक पहुंचाने में मेरा बहुत हाथ है, इसलिए इसे कोई भी आके ऐसे छीन नहीं सकता। मैं क्यों चोरी करूंगा तुम्हारे इस कारोबार को, मैं तो ठीक से चलाने की कोशिश कर रहा हूं बस। ये हमारा खानदानी कारोबार है, तुम होते कौन हो ठीक से चलाने वाले? मैं नोई हूं तुम्हारे, तमीज से बात करो। और दूसरी बात ये कि ये कारोबार खानदानी नहीं है, जहीर भाई का कारोबार है, और अगर तुमने इस कारोबार को खून पसीना दिया है तो जहीर भाई ने भी बदले में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वाह सायका, और हबीब, हबीब ने जो इतने सालों से इतनी मेहनत की है उसे तुमने एक मिनट में कचरा कर दिया। अरे भाई, भाई के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? बस अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी किसी के मुंह से, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। इस वक्त तुम लोगों को ख्याल नहीं है कुछ अपने भाई का, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत की बात है। जहां तक कारोबार की बात है तो जाओ तुम संभालो उसको, देखती हूँ कैसे संभालते हो तुम, सारी की तरह संभाल पाओगे तुम? जाओ अब यहां से। करने दे उसको जो करना है, देखती हूँ कैसे कारोबार संभालता है ये। अगर सही नहीं कर सकेगा फराज ही संभालेगा, ठीक है? Thank you.